भाई पहले आपका नाम बताइए। राहुल कुमार नागेश्वर नाम है और ये मेरा डॉग है लुकस नाम है इसका। कौन सा ब्रीड? डॉबरमैन। डॉबरमैन देख सकते हैं, ये डॉबरमैन ब्रीड है। लेकिन यहाँ जितने भी डॉबरमैन आए हैं उनका जो पूछ है और जो ईयर है, पूछ ये क्रॉपिंग होता है तो ये एकदम नेचुरल जैसा है वैसा ही है। कैसे आपने सोचा कि नहीं क्रॉप नहीं होता? लाइक टेल डॉग होता है उसका और क्रॉप होता है उसका ईयर्स, बट उसको लाइक ऐसी मेरा विश था कि नहीं कराना था। सबको लाइक इसको मतलब जिसे लेते हैं जैसे ब्रीडर से लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको मतलब क्रॉप करा देते हैं या फिर डॉग करा देते हैं, बट मेरे को मन नहीं था तो मैंने मना कर दिया। तो ये क्या घुमाने लाया है या फिर? बस ऐसे ही घुमाने ही लाया, फर्स्ट टाइम है ना इसका। ये भी अभी कितना भाई का हुआ है? ये नाम क्या है? लुकस। लुकस लुकस आप देख सकते हैं कि कितने बड़े हैं। कैसे तो जो यहाँ बहुत सारे लोग भीड़ आज बहुत है, तो कैसा इसका रिएक्शन है? इसका रिएक्शन थोड़ा अभी तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही फियर्स है अभी, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गुस्से में, हाँ स्ट्रेस में ज़्यादा। तो ये खाना क्या खाता है भाई अभी? इसको तो वही फरमीना का देता है फूड और घर का राइस चिकन वो चलता है। और ये आपका पहला ब्रीड है या फिर अलग कोई ब्रीड? ब्रीड है, हाँ सिर्फ यही ब्रीड है आपके पास? हाँ सिर्फ ये डॉबरमैन है। क्यों आपने डॉबरमैन ही क्यों रखा? इतने सारे ब्रीड थे, क्यों आपने डॉबरमैन ही चूज किया? अब ऐसा तो कोई था नहीं, बट मेरे को एक्चुअली लाइक डॉबरमैन एक खास डॉग लगा था क्योंकि मैंने एक फ्रेंड के पास देखा था और उसके पास रॉटवाइलर भी था, बट रॉटवाइलर मेरे को लाइक लगा नहीं कि मैं उसे संभाल पाऊँगा, सो मैंने डॉबरमैन ही चूज़ किया उसे। ये खुला रहता है घर में या फिर कैसे? ओपन रहता है पूरा घर का। और जो स्ट्रेंजर आते हैं जो अनजाने लोग, कैसा उसके उस समय कैसा रिएक्शन होता है? उस समय लाइक अगर जैसे कोई अननोन रहा तो ऑब्वियसली वो बात करेगा ही, तो हर एक डॉग करता है, बट अगर सामने से इसको प्यार से बुलाया जाए तो ये बहुत फ्रेंडली है, जल्दी फ्रेंडली हो जाता है किसी से भी। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब ओनर होता है तो डॉग का बिहेवियर अलग होता है। हाँ वो भी है, वो तो है। ओनर नहीं रहता है तब वो थोड़ा सा अपना, हाँ नहीं मतलब ओनर रहने से वो डोमिनेंट उतना नहीं दिखाता, बट ओनर नहीं रहता है तब वो ज़्यादा डोमिनेंट दिखाता है किसी के भी ऊपर। तो जो लोग भाई डॉबरमैन रखना चाहते हैं, खास करके अगर उनके घर में कोई छोटा बच्चा है तो पहली बार अगर वो कोई रखना चाहते हैं, आप रिकमेंड करेंगे कि वो डॉबरमैन रख सकता है? नहीं हम तो फिलहाल मेरा एक्सपीरियंस है हम तो नहीं करेंगे, बिकॉज अगर इसको रखना है तो लाइक अगर आप लेते भी हो तो डिपेंड करता है कैसा ब्रीडर से ले रहे हो, और फिलहाल ये चैम्पियन ब्रीड से एक ब्रीड लो है तो लाइक इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो। तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो आज आप देखी पारे लुकस, खास करी आपण देखि पारथिबे डॉबरमैन आपण जति भी देखि पारथिबे ता जो लांगुडा अछि किबा कान लांगुडा डॉग होय भाई जेमति कहले आ कान तांगर क्रॉप होय, किंतु एटी देखंथु पूरा नेचुरल जिंस जो जिंसटा कि रहिबा दरकार। कोन पईका कान क्रॉपिंग होय, कोन पईका लांगुडा डॉग होय, जेतले आपण डॉबरमैन रखछनी बुझंथु जिंसटा। ओके जिंसटा बुझिले आपण बहुत नॉलेज नै पारियो, तने आपण जें कहिली ब्रीड विषय रे सफिशिएंट नॉलेज नबा संगे संगे लोकंकर मध्ये जो एक्सपीरियंस अछि ताकु मध्ये आपण नै कि बहुत ही जदी ब्रीड रखिया चाहौछन्ती सहायक हे पारियो से जिंसटे। आशा लागुछि आगु को एमती वीडियो देखिबे यूनिक यूनिक ब्रीड देखछन्ती केमते लागुछि कमेंट सेक्शन में कहे बोलन, वीडियो लाइक करन्तु कमेंट करिया बोलन्तु आ सब्सक्राइब जदी करनन्त करन्तु, कारण आगु का आहु जबरदस्त वीडियो आसे। से पर्यंत आमे रहिल, नमस्कार।